Hi guys, so we are starting lesson eight, educational and social reforms of modern India, Tamil Nadu class 12. And chhota sa chapter hai, MCQs bhi isme ho jayenge. So let's finish this. Fata फट, okay? So what we actually say is that British Bengal capture kar chuke the 1757 mein. लेकिन वो लोग कुछ education वगैरह के लिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि जब वो आए थे ना तो उनका पहले की मतलब उनकी जो tendency थी पहले तो trade की थी फिर उन्होंने कैप्चर वगैरह शुरू किया बट उनका कोई लेना देना नहीं होता था सोशल रिफॉर्म या एजुकेशन वगैरह से तो हमारे इंडिया की जो एनशियन स्ट्रक्चर थी एजुकेशन की वही चल रही थी जो एंशियन टेक्स्ट हम पढ़ते थे अरबिक पर्शियन संस्कृत में वही चल रहा था फिर सेवनटीन में वन हेस्टिंग्स ने मद्रासा एक, एक एस्टेब्लिश किया कैलकाटा में टू इनकरेज द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉज अलॉन्ग विद अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस तो हेस्टिंग्स को काफी आपने पढ़ा है हमने पढ़ा है ऑलरेडी चैप्टर हेस्टिंग्स पे तो उनको काफी ये सब करने में इच्छा थी वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे बहुत सारी चीजों में तो उन्होंने एक कैलकटा में मद्रासा खोला ताकि मुस्लिम लॉस पढ़े हम लोग और अरबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस भी हम लोग पढ़े फिर सेवेंटीन में एक ब्रिटिश रेसिडेंट थे जोनाथन डंकन तो उन्होंने अब बहुत मेहनत की और उसके बाद बनारस में संस्कृत कॉलेज खुला स्टडी ऑफ हिंदू लॉज एंड फिलोसफी तो ये पहला था जिससे मतलब एक होता है तो ऐसे ऐसे करके आप देख रहे हो कि ब्रिटिश ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया टूवर्ड्स एजुकेशन फिर आप एक चीज और जो बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताई गई है कि जब यू नो कंपनी रूल एस्टेब्लिश हुई थी बंगाल में तभी जो इन ये एजुकेशन की हालत थी हमारे देश में वो अगर हम ओरिएंटल लर्निंग की तरफ से देखें जो ट्रेडिशनल टेक्स्ट था हमारा उस हिसाब से बहुत अच्छी स्थिति थी, थी मतलब हर एक विलेज में एक स्कूल तो था ही इनफैक्ट बंगाल में अकेले 80,000 ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे और सिमिलरली मद्रास बॉम्बे पंजाब इसमें भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन थे जहां पे हमारा जो ट्रेडिशनल जो एजुकेशन था वो चल रहा था लेकिन क्या हुआ कि बाद में इसके साथ छिड़खानी होने लगी होता है ना ब्रिटिश अपना की इंग्लिश एजुकेशन प्रमोट करेंगे तो ये सारी चीजें आने लगी इनफैक्ट आप देखिए तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 हमने पहले भी पढ़ा है कि उसमें बोला गया कि वन लाख रुपीज पर एनम एजुकेशन में लगाया जाएगा इंडिया में इसके पहले एजुकेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था चार्टर एक्ट ऑफ 1813 से ऑफिशियली ये हुआ कि वन लाख रुपीज हर साल सिर्फ एजुकेशन के लिए लगना चाहिए ये बात अलग है कि ये जो अलॉटेड मनी था ये कभी यूज नहीं हुआ था इतना एजुकेशन में बट ऐसा अलॉटमेंट हुआ वो शो किया कि एक जो है ना व्यू पॉइंट चेंज हुआ कि नहीं हमें एजुकेशन की तरफ काम करना चाहिए ओके और अगर हम ब्रिटिश स्कॉलर्स की बात करें जो एजुकेशन पे बात कर रहे थे इंडिया की तो उनमें भी बहुत डिविजन था दो ग्रुप्स के थे ब्रिटिश स्कॉलर्स एक थे ओरिएंटलिस्ट जो बोलते थे कि नहीं नहीं ओरिएंटल सब्जेक्ट्स पढ़ाइए थ्रू इंडियन लैंग्वेजेस वही अच्छा है क्योंकि यहाँ इंडियन कल्चर लोगों को समझ में आना चाहिए बस एजुकेशन प्रमोट होना चाहिए तो इनके जो सब्जेक्ट हैं हम वही पढ़ाएंगे उन्हीं के लैंग्वेज में वही अच्छा है इनके लिए लेकिन जो एंग्लिसिस्ट थे वो बोलते थे कि नहीं नहीं वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर जो है वो ज्यादा अच्छा होता है इसीलिए हम वो पढ़ाएंगे यहाँ पे इन इंग्लिश लैंग्वेज तो लिटरली एक्चुअली फंडा ये था कि ये जो भी बंदे प्रमोट करते थे वेस्टर्न साइंस और लिटरेचर उन्हें ये लगता था कि जो इंडियन कल्चर है जो यहाँ के सब्जेक्ट्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है दे काइंड ऑफ वॉन्टेड टू ब्रिंग एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कि आपके कल्चर में कुछ दम नहीं है वेस्टर्न साइंसेस और लिटरेचर जो है वो ही सुपीरियर चीजें हैं आपको वो जाननी चाहिए और इसीलिए ये लोग इस चीज को भी प्रमोट कर रहे थे लेकिन अगर हम देखें तो 1829 से जब विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल बने उन्होंने भी इंग्लिश लैंग्वेज को काफी इम्फेसाइज किया था अब उनका एक टेंडेंसी ये हो सकता है कि यू नो इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड में इतना यूज हो रहा है मे बी ही वुड हैव अ गुड टेंडेंसी बट नॉर्मली जो एक फंडा देखा गया है कि ये लोग क्रिटिसाइज करते थे इंडियन कस्टम्स और ट्रेडिशंस को नॉट विलियम बेंटिक बट स्कॉल टू ब्रिंग एन इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन इंडियंस ओके ताकि उनको लगे की जो वेस्टर्न कल्चर है वो सुपीरियर है टू इंडियन कल्चर देन बिगिनिंग ऑफ एटीन थर्टी फाइव में एक कमिटी आई जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन उसमें अलग ही हालात थे मतलब उसमें ऐसे थे ना कि दस थे और उसमें पांच मेंबर्स जो थे इंक्लूडिंग द चेयरमैन लॉर्ड में वो फेवर कर रहे थे इंग्लिश को कि नहीं हम लोगों को इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए लेकिन अदर फाइव जो थे पांच और जो बाकी लोग थे वो लोग बोल रहे थे नहीं ओरिएंटल लैंग्वेज में पढ़ानी चाहिए तो आपको क्या लगता है किसकी बात मानी गई होगी ऑब्वियसली चेयरमैन साहब की बात मानी गई और इसीलिए

स्कूल चलाइए और एजुकेशन बढ़ेगा ऐसे फिर उसके बाद ये था कि टेक्निकल एजुकेशन टीचर विमेन एजुकेशन इन सबके लिए स्कूल्स इस्टेब्लिश करने के लिए कहा गया इस डिस्पैच में और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई थी कि हर कैलकटा, बॉम्बे और मद्रास में इन तीनों शहरों में एक एक यूनिवर्सिटी इस्टैब्लिश होनी चाहिए जैसे कि लंडन यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड में तो so, ये एक बहुत अच्छा डिस्पैच uh, सेंड किया गया था बाय सर चार्ल्स वुड एंड दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर यू शुड नो दिस और ये आया था 1854 में नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द सोशल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इन द बिगिनिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट वॉज लिमिटेड टू ट्रेड ब्रिटिश को और कोई मतलब था नहीं उनको ट्रेड से मतलब था और उनको अपने प्रॉफिट से मतलब था लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके इंटरेस्ट भी जागने लगे उनको पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होने लगे लगे फिर फिर उनको लगा कि अच्छा अगर हम यहां पे होते होते ना ना उन्हें धीरे धीरे प्रॉब्लम्स भी दिखने इंडिया के तो फिर वो लोग क्रिटिसाइजिंग पर उतर आए ताकि अगर हम यहाँ पे लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे कि अरे तुम्हारा कस्टम खराब है तुम्हारे ट्रेडिशन खराब है तो यहाँ के लोगों में इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी और उनको हमेशा लगेगा कि जो ब्रिटिश रेस है वो सुपीरियर है टू इंडियंस तो ये फीलिंग भी एक तरीके से लाई गई यू नो इंडियंस के अंदर फिर मिड नाइनटीन सेंचुरी में क्या हुआ कि बहुत सारे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट शुरू हो गए भक्ति मूवमेंट एंड ऑल दैट और उसके बाद क्या हुआ कि इस वजह से ये जो मूवमेंट्स शुरू हुए ये शुरू तो हुए थे अच्छे टेंडेंसी से यू नो रिफॉर्म्स लाने के लिए लेकिन इससे क्या हुआ इनको जो नहीं भी पता था कि हमारे देश में जो बुरी चीजें चल रही हैं उनके बारे में जो नहीं भी पता था वो उन्हें पता चल गया क्योंकि ये हाईलाइट हुआ उस मूवमेंट के थ्रू तो ये एक बुरी चीज हुई काइंड ऑफ फिर क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे जो इंग्लैंड से आए थे यहाँ पे अपना होता है ना क्रिश्चियनिटी के प्रचार करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है भैया आप लोग भी क्रिश्चियन बन जाओ तो उन्होंने भी यू नो जो एजुकेटेड इंडियन उनके दिमाग के साथ थोड़ा खिलवाड़ किया क्योंकि उनको लगने लगा कि हाँ यार ये लोग तो अच्छी बातें सिखा रहे हैं तो ये चीजें होती हैं आप एक जगह पे हैं और अगर आपको बार बार कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी और आपको लगेगा कि ये अब आपके प्रेजेंट कल्चर से ज्यादा बेटर चीजें बता रहे हैं तो आपके भी दिमाग में क्वेश्चन आएंगे तो वही चीजें हो रही थी फिर वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन जो था वो भी काफी पॉपुलर हुआ था बहुत सारे तभी वेस्टर्न उनके यू नो निकल रहे थे आइडियोलॉजीज निकल रहे थे जो काफी यू नो अच्छे भी थे तो ऑब्वियस है कि जो इंडियंस थे वो लोग काफी अट्रैक्ट हो रहे थे कि हाँ ये तो अच्छी चीजें बोल रहे हैं ये लोग तो इन सब का एक कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट हो रहा था यू नो सोशली इन इंडिया

तो ये सारी चीजें बहुत सारी इश्यूज चल रही थी तो इसमें सबसे पहला एफर्ट जो लाया गया था फॉर वुमेन वाज बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्होंने जिस यू नो लॉ लाया अगेंस्ट सती और इसको लाइट में किन्होंने लाया था सर राजा राममोहन रॉय ने उनका बहुत बहुत ही अच्छे सोशल रिफॉर्मर हैं वो लाइक द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया आई म से देन फीमेल इन्फेंटिसाइड अगर हम देखें तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड जो बच्चे बचपन बच्च में मार देते हैं और यहाँ पे बहुत तो अजीब सी चीजें आप देखेंगे फीमेल इन्फेंटिसाइड का के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि लोग सोचते थे कि उनके सोशल प्रेस्टीज पे सवाल उठ जाते हैं फिर लड़की की शादी करानी पड़ती है लड़की की शादी हो जाती है तो फिर लड़के वाले जो उसके ससुराल वाले होते हैं उनके सामने झुक के रहना पड़ता है ये सारी चीजें लोगों को प्रॉब्लम्स लगते थे और इसीलिए वो लोग क्या करते थे या तो बच्चे को जन्म होने के बाद ओपीएम खिलाकर मार देते थे या फिर जानबूझ के निग्लेक्ट करते रहते थे कि खुद ही बच्चा मर जाए तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड ऐसी भयानक तरीके से चल रही थी और ये मोस्टली पॉपुलर थी राजपुताना पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में तो जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड था इंडिया का उस साइड ये ज्यादा एक्चुअली हो रहा था फिर बहुत सारे लॉज लाए गए 1795 में 1802 में 1804 में 1870 में भी लेकिन एक्चुअली लॉज के थ्रू इस चीज को ज्यादा कुछ यू you नो know, कर कर नहीं पाए ये लोग इनफैक्ट अभी भी ये फुल्ली खत्म तो नहीं हुआ है आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अभी भी ये करते हैं हाँ बहुत कम हो गया है ये अलग बात है लेकिन फुल्ली आई डोंट थिंक हंड्रेड परसेंट तो डेफिनेटली नॉट और तभी भी वही चीज थी कि बहुत सारे लॉज लाए गए लेकिन कुछ खास अंतर नहीं हुआ और थोड़ा थोड़ा करके ये ग्रेजुअली खत्म हुआ थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक ओपिनियन जैसे अभी भी चली रहा है एजुकेशन और पब्लिक ओपिनियन तो तो वही है धीरे धीरे खत्म हो रहा है बट या इट इज

तो क्या होता था बहुत सारी वीडियोस हो गए थे एक टाइम में तो फिर कुछ रिफॉर्मर्स थे जो उठ के आए और उन्होंने काफी पैम्फलेट्स वगैरह में जॉर्नल्स वगैरह में ये सारी चीजें निकाली कि नहीं कराना चाहिए वीडियो रिमैरिज और राजा राममोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन लोगों ने काफी काम किया इसके लिए इनफैक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने तो शायद खुद एक वीडियो से शादी की थी फिर uh,

देन चाइल्ड मैरिज जो इशू है वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी मतलब एकदम ही छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते थे अभी भी ये बहुत जगह होता है यार अभी भी मैं मुझे नहीं लगता हंड्रेड परसेंट ठीक हुआ है अभी भी बहुत जगह मतलब जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है आई थिंक वहाँ अभी भी बच्चों वगैरह की शादी करा देते हैं सो येस दिस इज़ नॉट फुल्ली लाइक गॉन इवन नाउ तो नवंबर 1870 में एक यू नो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन जो केशव चंद्र सेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे तो उन्होंने भी इस इशू को हाईलाइट किया था चाइल्ड मैरिज को फिर एक जर्नल लाया गया था महापाप बाल विवाह चाइल्ड मैरिज द कार्डिनल सिंह बाय बी एम मालाबारी तो ये सारी चीजें ये लोग ही हाईलाइट कर रहे थे कि ये कितना बड़ा इशू है चाइल्ड मैरिज इसके बारे में फिर फाइनली 1846 में यू you नो know, uh, अगर हम देखें तो नहीं नहीं uh, कोई एक्ट नहीं आया था इट वाज की जो मिनिमम मैरिजेबल एज थी फॉर अ गर्ल वाज ओनली टेन में जा, 1891 में ये आप देखिए इतना साल तक ये लोग बोलते रहे लड़ते रहे कुछ नहीं हुआ uh, आप और इनफैक्ट 1846 में आप देखो तो सिर्फ दस साल आई मीन मिनिमम जो लड़की के तो दस साल में शादी कराते थे बापरे देन ये जो कंसेंट एक्ट आया फाइनली इन एटीन नाइन्टी वन ओके जहाँ पे जो एज है उसको रेज किया गया ट्वेल्व इयर्स ठीक है जो भी काफी कम था बट स्टिल वही है धीरे धीरे आते हैं ना सोशल रिफॉर्म्स एकदम झटाक से नहीं आ जाते फिर शारदा एक्ट 1930 लाया गया वो उसमें एज को रेज करके किया गया 14 इयर्स ठीक है और फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस तुरंत नहीं लेकिन इन 1978 18 इयर्स किया गया है जो अभी भी चल रहा है कि लड़कियों की मिनिमम जो एज है वो होनी चाहिए 18 इयर्स तो आप देख रहे हैं 1846 में 10 इयर्स 1891 में 12 इयर्स 1930 में 14 इयर्स और 1978 में जाके 18 इयर्स किया गया है तो बहुत धीरे धीरे चेंजेस हुए बट फाइनली अच्छे जगह पर है अभी ये चीज नेक्स्ट जो इशू है वो है पर्दा सिस्टम तो ये भी बहुत ज्यादा था लेकिन इसमें आप एक अजीब सी चीज देखोगे कि जो प्रजेंट्री सेक्शन था जो किसानों वाला सेक्शन था वहाँ पे कंडीशन ज्यादा अच्छे थे बेटर थे वुमेन के क्योंकि वहाँ पे वो लोग पर्दा कर नहीं सकते थे ना उनको काम करना होता था तो वहाँ पे उतना पर्दा सिस्टम उतना नहीं था वो लोग अच्छे सिचुएशन सिच्चे में थे और साउथ इंडिया में भी ये पर्दा सिस्टम वगैरह ज्यादा था नहीं ये बेसिकली जो है नॉर्थ इंडिया का ही ज्यादा प्रॉब्लम था और ये जो है इसमें कुछ ज़्यादा लेजिस्लेश वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी ये बिना किसी लेजिस्लेशन के ही डिसअपियर हो गया क्योंकि जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन भी वीमेन की सबको इंकरेज किया गया फिर वो लोग उठ भी आए पिकटिंग से लेकर हर जगह एक्टिव हुए और ऐसे कर करके धीरे धीरे वो पर्दा सिस्टम खत्म हो गया बिकॉज ऑब्वियसली जब आप ऑन रोड आ जाते हो तो फिर तो आप एकदम खुला होके घूमते हो ना देन पर्दा सिस्टम कैसे चलेगा उस सिस्टम में सो थैंक्स टू द फ्रीडम मूवमेंट कि ये पर्दा सिस्टम खुद ही डिसअपियर हो गया किसी लॉज वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी एंड सेकेंड जो इशू था आफ्टर वैकेंड uh, जो इशू था दैट वॉज कास्ट सिस्टम विच आई थिंक इवन स्टिल इज इन इंडिया सो कास्ट में डिवाइडेड है इंडिया का सेक्शन और और करना पड़ता था तो महात्मा गांधी ने येबिलिटी को sin कहा था, कि ये पाप है बिल्कुल और उन्होंने रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए एक पेपर भी लाया था द हरिजन और एक एसोसिएशन भी बनाया था हरिजन सेवक संघ तो महात्मा गांधी हमेशा बोलते थे कि ये भगवान के लोग है हरिजन ओके okay? तो आप इनको गलत ट्रीट नहीं करो देन सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इस चीज में वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ऑब्वियसली उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी इन जुलाई 1924 इन बॉम्बे फॉर वेलफेयर ऑफ डाउन जो पिछड़े जाति थे या पिछड़े सेक्शन थे से हमारे सोसाइटी के जिनको एक्चुअली में प्रॉब्लम्स दिए जा रहे थे उनके लिए उन्होंने ये बनाया था फिर अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा भी बनाया था उन्होंने टू फाइट अगेंस्ट कास्ट ऑपरेशन कास्ट वगैरह की लड़ाई करने के लिए तो ये दोनों ही आप ये ऑर्गेनाइजेशन याद रख सकते हैं बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा ये दोनों भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था नॉर्मली देखिए हरिजन से महात्मा गांधी फिर भी याद आ जाते हैं तो ये सारा आपको थोड़ा याद रहना चाहिए नेक्स्ट इज बाकी इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए काम नहीं हुआ बाकी इंडिया में भी ये जो हमारे सेक्शंस थे जिनको परेशान किया जा रहा था उनके अंदर एक सेल्फ स्टीम लाने के लिए काम किया गया कि होता है ना आप अपने आप को बाकियों से पीछे मत समझिए आप इक्वल हैं सबके उसके लिए भी बहुत लोग काम कर रहे थे जैसे वेस्टर्न इंडिया में ज्योतिराव फूले हैं महाराष्ट्र के होते ना आपको याद होगा कि ज्योतिराव फूले और उनकी वाइफ ने मिलकर पुणे में स्कूल भी खोला था लड़कियों के लिए तो ये लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे इन वेस्टर्न इंडिया उन्होंने सत्य शोधक होगा एक्चुअली आई थिंक सत्य शोधक समाज खोला था आ, ये होता है ना पिछड़े सेक्शन के के लिए वर्क करने के लिए फिर एक श्री नारायण गुरु थे केरला में उन्होंने भी खोला था एस मूवमेंट अगर आपको याद हो तो ये इनका है श्री नारायण धर्म प्रतिपालना योगम तो इन्होंने भी खोला था कि होता नहीं ये सेल्फ एस्टीम वापस आए कि ऐसा ना हो कि जो लोग जिनको इतना प्रताड़ित किया जाता है होता नहीं ना नीचा दिखाया जा रहा है उनको ये ना लगने लगे कि उनके अंदर ही कुछ कमी है तो वो चीज को हटाना चाहते थे ये लोग आप उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस लाना चाहते थे सेल्फ एस्टीम को वापस लाना चाहते थे फिर मद्रास प्रेसिडेंसी में इनफैक्ट पेरियर जो हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट ही चलाया था कि नहीं आपको और स्पेशली ये जो ये जो मूवमेंट्स थे बेसिकली मेन दो तीन चीजों के लिए होता था कि ये जो, जो, जो सेक्शन है इनको अनटचेबल्स की तरह मानते थे ना तो इन लोगों को टेम्पल्स घुसने नहीं देते थे वेल्स को यूज करने नहीं देते थे कुआ वगैरह यूज करने नहीं देते थे एजुकेशन में प्रॉब्लम कराते थे तो ये सारी चीजों में ये लोग उनके लिए उठ के आ रहे थे कि नहीं आपको सब अलाउ होना चाहिए उसके लिए लोग लड़ाई कर रहे थे तो बस छोटा सा चैप्टर था ये तमिलनाडु में हम लोग स्पेक्ट्रम में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे चिंता मत करिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आते हैं फटाफट कर लेते हैं जोनाथन डंकन एस्टेब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज एट मद्रास बॉम्बे कैलकटा बनारस चलो एकदम सही करना है ओके so please pause the video and I'll discuss the answer so the answer is banaras aur hame yaad hoga ki ye Jonathan duncan je the ye british resident the aur jinhone isme kafi important role play kiya tha sanskrit college ke establishment mein at banaras in 1791 so let's proceed to the next question next question is the widow remarriage act was passed in the year 1856 1856 1870 1891 so please pause the video and I'll discuss the answer so the answer is 1856 so we have already discussed that in july 1856 jp grant a member of the governor general's council finally tabled a bill in support of the widow remarriage which was passed on 13th july 1856 so 1856 me pass hua tha widow remarriage act aur aapko yaad rakhna chahiye ki is रीडर मैरिज इशू के लिए हमारे बहुत दो इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स थे राजा राम मोहन रॉय और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने काफी रोल प्ले किया था इसमें ओके okay. so, uh, ये ये फिल इन द है एक साथ ही कर लेते हैं ठीक है? आप पॉज करके आराम से अपना आंसर फ्रेम कर लीजिए फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे ओके द शारदा एक्ट रेज द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स टू डैश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा वॉज फॉर्म बाय डर डैश तो बचपन में करते थे ना ब्लैंक्स, तो so, वो भी करना यहाँ पे तो शारदा एक्ट ने मिनिमम मैरिजल एज को क्या था 14 इयर्स तक बहिष्कृत हित सभा किसने बनाया था भीमराव अम्बेडकर ने और मैकॉलेज मिनट जो था वो अनाउंस हुआ था ऑन सेकेंड फेब एटीन थर्टी फाइव So, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपको याद रहना चाहिए नेक्स्ट लास्ट में हमारा आता है प्यारा मैच द फॉलोइंग जो यूपीएससी भी पूछता रहता है बहुत प्यारा प्यार है यूपीएससी को मैच द फॉलोइंग से तो आप पॉज कीजिए सोच लीजिए फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ओके okay? तो मैं शुरू करती हूँ डिस्कशन तो हरिजन सेवक संघ हरिजन है तो महात्मा गांधी ओके सो ऑप्शन डी फॉर वन फिर सत्य शोधक समाज ये ज्योतिराव फूले जी हैं तो सेकंड गया ई के लिए फिर नारायणा धर्मा परिपालना योगम ये गया आपका नारायणा गुरु के लिए नारायना या नारायणा से याद रखो ठीक है थ्री ए फिर सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट लाए थे पेरियर सर तो पेरियर ई आर फोर बी ओके एंड अहिला भारतीय दलित वर्ग सभा ये डॉक्टर आर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर ये लेकर आए थे तो फाइव सी so, सो यहीं पे खत्म होती है चीजें हमारी हम मिलेंगे अगले वीडियो में और एक पिक्चर सोचा था ना रुको ये है हमारा पिक्चर ऑफ द वीडियो और देखो यार मेरे दिमाग में पहली चीज तो यही आ रही है कि मुझे ये अम्ब्रेला चाहिए ठीक है तो आप में से कोई भी मेरे लिए अम्ब्रेला ला के देगा तो उसको मिलेगा मेरा ढेर सारा प्यार और मेरी बहुत सारी आ, और अगर आपको लग रहा है कि ला तो छाते में क्या है यार देखो कितने प्यार से वो होल्ड करी है आपको नहीं लगता कि मैं भी इतनी खुश हूँ मैं इससे ज्यादा खुश हूँ अगर मेरे पास ये छाता होता और एक चीज और जो है फोटो में वो है टूटता हुआ तारा यार अगर देखो वो उस साइड राइट साइड में भाई साहब विश मांग लो जिसको जिसको जो मांगना है यार यूपीएससी क्लियर हो जाए बस और 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 क्या है और अगर हम इस लेडी पे फोकस करें थोड़ा तो बड़ी खुश लग रही है ये ऐसा लग रहा है जैसे पति से कुछ डायमंड का हार मांगा और मिल गया हो तो ये भी हो सकता है वैसे तभी इतनी खुश है और अम्ब्रेला में होता है ना सितारा वितारा लाइट वाइट लगा के अपने खुशी को इजहार करने निकल गई है अकेले ही इतनी खुशी अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए चलिए ठीक है मेरा इतना ही था आप के दिमाग में और कुछ आता है तो लिखिए चीटिंग नहीं चलेगी नहीं नहीं गेम में चीटिंग अलाउड नहीं है ये सब ऑनेस्ट गेम है सिविल सर्वेंट बनना है ऑनेस्टी इज मस्ट तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से टाटा थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो